बाहर चलने के बाद तुरंत वहाँ से भागने लगी, क्योंकि अगर उसने एक बार मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे उसी पानी में फेंक देगी जिसमें मैंने उसको फेंकी है। मैंने कितनी अच्छी तरह से उसे समझाने गई थी, पर उस साले को तो अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है ना। आप समझी कैसी लगती है ताई को हर समय कमजोर समझकर टॉर्चर करना? तो आज समझ ले, ये ताई भी ना किसी से कमजोर नहीं। मैं कॉलेज कैंपस में बैठी हूँ, जुंगकुक अभी तक नहीं आई है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन अचानक मैं हिंदी फिल्म की तरह किसी से टकरा गई। मैंने सोचा कि ये शायद मेरी हैंडसम बॉयफ्रेंड है, अब हम दोनों एक दूसरे को देख रहे होंगे। फिर हिंदी फिल्म की तरह बजनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं जब देखती हूँ तो देखती हूँ कि ये तो जंगकुक है ही नहीं, ये तो भूकंप है। और उसे देखते ही मैं चिल्ला के बोली, रे भूकंप छोड़ मुझे। तब मैंने देखी जंगकुक हमें तेज नजरों से देख रही थी। इसके बीच भूकंप ने भी मुझे नीचे गिरा दिया और जंगकुक भी बाहर चली गई। फिर मैंने भी भूकंप को धक्का दिया और जंगकुक के पीछे पीछे भागने लगी। पूरे 10 मिनट खोजने के बाद मैंने उसे नदी के किनारे पाई। जंगकुक जंगकुक वहाँ से तब क्यों आई थी? प्लीज ताई मुझे अकेला छोड़ दे। पर मैंने तो तुमको पकड़ी ही नहीं। तू मुझे क्यों पकड़ेगा भला? तू तो तेरे उस भूकंप को पकड़ेगा है ना? देखो जंगकुक पहले मेरी बात तो सुनो। और जैसे ही मैंने ये कही जंगकुक ने मुझे धक्के देकर गिरा दिए। हाय माँ मेरी तो कमरी टूट गई। और इन लफंगे को तो देखो मुझे धक्के देकर कितनी शांति से खड़ी है जैसे कि कुछ हुई नहीं। अब तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। और क्या, उसके बाद मैंने भी उसको धक्के देकर पानी में फेंक दिए। फिर वहाँ से भागते हुए जल्दी घर आ गई। अगले सुबह मैं अपने पैरों पर पैर रख के बैठी हुई थी, तब जंगकुक हमारे घर आती है। पहले तो मैं उसकी हैंडसम चेहरा देखकर उसको घूर घूर कर देख रही थी। फिर मुझे बीता हुआ कल याद आई। माँ तुम कहाँ हो? जल्दी आओ ना यहाँ। क्या हुआ तुझे है? तो बकरी की तरह मैं क्यों कर रही है? मुझे अपनी माँ के बातों से बहुत अपमानित महसूस हुई। बॉयफ्रेंड के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती। मुझे तो अपने सीने में तेज दर्द महसूस हो रही है। जंगकुक तू यहाँ अचानक? बेटा कुछ बात है क्या? नहीं मम्मी, मैं तो बस तेरे को कॉलेज ले जाने आया हूँ। वो पर मैं तो सोच रही थी आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्या बोली तूने? अब यही कि मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। जहाँ शेर की डर है वहाँ पर ही रात होती है। गॉड प्लीज इस बार बचा लो मुझे। जंगकुक मुझे लेकर बाहर आते ही उसने तुरंत मेरे गालों पर थप्पड़ मार दिया। वही बुद्धू, इतनी जोर से कोई मारता है भला? ताई तू जरा रुक, मैं अभी आता हूँ। बोल के जंगकुक फिर अंदर गई। फिर अपने साथ कुछ लाई और मुझे अपने घर के सामने भरे बगीचे में ले गई। जैसे ही जंगकुक अपने हाथ पीछे से हटाई मेरी आंखें ही फैल गई, क्योंकि जंगकुक के हाथ में एक मोटा सा रस्सी है जिसे देख मैं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। होश आने के बाद मैं देखी कि मैं एक पैरों से बंधी हुई हूँ। उफ गॉड क्या शर्म की बात है, एक कॉलेज पढ़ाया लड़की को उसके ही बीए प्लस चचेरे भाई ने एक पेड़ से बांध दिया। उधर मेरे बड़े भाई कुछ देर बाद बात आ रही हैं और मुझे अपने दांत दिखा रहे हैं। अब बस और सहन नहीं हुआ मुझे, मैं चीख पड़ी, शट अप जस्ट शट अप। बोल आप कभी मुझे बुद्धू कहेगा? जंगकुक भाई फिर कभी नहीं कहेंगे, मुझे आप छोड़ दो। अगर जरूरत पड़े तो मैं तुमसे ब्रेकअप भी कर लूंगी। भाई कौन है तेरा भाई? और क्या कहा तूने, ब्रेकअप करने का? ब्रेकअप की बात भी कभी नहीं करना, क्या मैंने तुझे नहीं बताया? मैं फिर कभी तुम्हें बुद्धू नहीं कहूंगी और कभी ब्रेकअप का नाम भी नहीं लूंगी। प्लीज सिर्फ इस बार मुझे छोड़ दो प्लीज। जैसे ही जंगकुक ने रस्सी खोली मैं फिर से उससे बुद्धू कहकर भागने लगी। मुझ तक कौन पहुंच सकते हैं? मैं मेरे कमरे की ओर भागी। कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली।
क्योंकि आज अगर फिर से जंगकुक ने मुझे पकड़ लिया होता तो मेरी तो खैर नहीं थी। फिर मैं कुछ देर बिस्तर पर बैठी रही। ओए जुड़ेल, जंगकुक का हाथों का मार कैसा लगा तुझे? भैया तू कैसी भाई है मेरी? हाँ, तेरी बहन को तेरे ही सामने एक पेड़ से बांध दिया था और तू अफ्रीका की कल्ला की तरह खड़े होकर दांत दिखा रहे थे। Don't call me Kalla because I am so much handsome. अगले दिन मैं कॉलेज में टहल रही थी तभी जंगकुक कहाँ से आया और मेरे हाथ पकड़ लिया। फिर जंगकुक ने मुझे रेस्टोरेंट में खींचकर ले गई। पर वो मुझे रेस्टोरेंट पर क्यों लाई? लगता है कुछ यम्मी खिला देगी। जंगकुक ने मुझे बैठाई और आइसक्रीम ले आई और मेरी सारी पसंदीदा खाना भी लाई। लो ताई, खाना शुरू करो। फिर मैंने खुशी खुशी सब कुछ खाने लगी लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। खाना खाने के बाद जंगकुक फिर से उठा। मैं सोचा कि शायद वो कुछ स्वादिष्ट लाने गई लेकिन जंगकुक बर्फ लेकर आई। बर्फ क्यों? ताई इसे ले और सब बर्फ को अपने मुंह में डाल। ये सुनकर तो मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। यानी जैसे बलि चढ़ाने से पहले उसकी ध्यान रखती है वैसे ही जंगकुक ने मेरे साथ किया। अब मैं क्या करूँ? जंगकुक ने जबरदस्त मेरे मुंह में बर्फ डालते हुए कहा। अब ताई हो गया, आप मुझको बुद्धू कहकर बुला तो। बस इतनी सी देर में ही मेरे चेहरे का हालत खराब हो गई है। मेरी सिर घूम रही है और मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रही है। मैंने जंगकुक का हाथ हटा के खड़ी हो गई। उसके बाद मैंने अपने मुंह से बर्फ फेंक कर बोली, साला नॉनसेंस कहेगा। ओए क्या कहा तूने? इससे पहले कि जंगकुक और कुछ कह पाता मैं जानबूझकर गिर पड़ा। साला की बेहोश हो जाने पर भी चैन नहीं, टेबल के कोने पर मेरी सिर लग गई जिसकी वजह से इस बार मैं सचमुच बेहोश हो गई। होश आने के बाद मैंने खुद को अपने कमरे में देखा। माँ बैठी है और पापा उसके पास खड़ा है। भैया चेयर पर बैठ कर स्पीच निकल रहे हैं। मुझे बैठा देखकर उसने गोल गोल आंखों से कहा, ताई तू सेंसलेस कैसे हो गया था? आप कैसे कहो तुझको भैया, जिस दिन से जंगकुक मेरा बॉयफ्रेंड बना उसके ठीक 15 दिन बाद से मुझे सेंसलेस पर PhD की मरीज की तरह महसूस होती है। क्योंकि 15 दिनों तक जंगकुक मोस्ट इनोसेंट लड़का था, मानो उनसे ज्यादा इनोसेंट कोई दो नहीं है। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इसके साथ 15 दिनों तक जो चाहे करूंगा, लेकिन कौन जानती थी कि 15 दिनों के बाद जंगकुक का नया रूप मेरे सामने आएगी। आज भी मुझे करीब 5 महीने 15 दिन पहले की बात याद है। जंगकुक ने उस दिन पहली बार मुझे थप्पड़ मारा। उफ, उस दिन मुझे कितनी दर्द हुई थी, ऐसा लगा जैसे कि मेरे दांत ही टूट जाएगी। मैं रोया क्योंकि मुझे डर था कि मेरे दांत ही गिर जाएंगे। रोने की वजह से जंगकुक ने मुझे फिर से थप्पड़ मार दिया था। तब मुझे ऐसा लग रही थी कि मेरी बॉयफ्रेंड मुझे थप्पड़ थेरेपी दे रही है। ए क्या हुआ, बोल क्यों बेहोश हो गई थी? कुछ बोलने से पहले ही जंगकुक कमरे में आ जाती है। जंगकुक ने एक प्लास्टिक का बॉक्स पकड़ा हुआ है। फिर जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, होबी मम्मी आप लोग जाइए, मैं ताई से पूछ रही हूँ और वो मुझे बताएगा, है ना ताई? मैं कुछ कहने वाली थी पर उसके आगे जंगकुक ने कहा, ताई बेबी तुम्हें क्या और थेरेपी चाहिए बताओ। ये सुनकर मैंने डर के मारे अपनी उंगली मुंह पर रख ली और मन ही मन सोचने लगी, ओह गॉड, ये किस टाइप की बॉयफ्रेंड मिली है मुझे जो बात बात पर थेरेपी देती है। पता नहीं इतने दिनों में कितने थप्पड़ और घूसा खा लिए मैंने और आगे कितने खाने पड़ेंगे वो भी कौन जाने। तो एक नंबर का क्रेजी बॉयफ्रेंड, नो नो नो, एक नंबर का साइको बॉयफ्रेंड है ये।